पीबी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंडोत्रा। आइए नजर डालते हैं दिनभर की प्रमुख सुर्खियों पर। पाकिस्तान की नापाक हरकत, उड़ी सेक्टर में बरसाए गोले, सेना दे रही मुंहतोड़ जवाब। एलजी मुर्मू ने कहा पर्यटन विकास प्राधिकरणों का पुनर्गठन होगा, स्वस्थ परियोजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं। कश्मीर में आधार मजबूत करने की कवायद में जुटी भाजपा, जल्द खेल सकती है बड़ा सियासी दौर। घाटी में शुरू हुई एसएमएस सुविधा। अब समाचार विस्तार से। पाकिस्तानी सेना ने आज यानी कि बुधवार को उड़ी सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इस दौरान सीमा पार से फायरिंग की गई। पाकिस्तान सेना ने चुरंडा गांव को निशाना बनाया। पाकिस्तान की ओर से सुबह 7 बजे से फायरिंग की जा रही है। भारतीय सेना पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का माकूल जवाब दे रही है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने मंगलवार को एक बैठक में पर्यटन विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन के लिए तंत्र तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। अफसर जम्मू कश्मीर में पर्यटन विकास प्राधिकरणों के कामकाज का आकलन करने और उसी के पुनर्गठन के लिए आवश्यक उपाय करने पर काम करें। कश्मीर में आधार मजबूत करने की कवायद में जुटी भाजपा जल्द बड़ा सियासी उलटफेर करने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो पार्टी की राज्य इकाई ने श्रीनगर नगर निगम में तख्ता पलट की तैयारी पूरी कर ली है और जल्द मेयर जुनेद अजीम मट्टू और डिप्टी मेयर शेख इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मंगलवार को मोबाइल सेवा प्रदाताओं को घाटी में एसएमएस सेवा शुरू करने की अनुमति दे दी। इससे लोग और खासकर व्यापारी वर्ग विभिन्न बैंकों से संदेश हासिल कर सकेंगे। मोबाइल उपभोक्ता अब मशीन जनरेटिव संदेश हासिल कर सकेंगे, वन टाइम पासवर्ड भी प्राप्त कर सकेंगे। उपभोक्ताओं को अपने मोबाइल से एसएमएस भेजने की सुविधा नहीं उपलब्ध होगी। प्रदेश में 70,000 से अधिक युवा मतदाता पंचायतों में बढ़े हैं। मतदाता पुनरीक्षण का काम समाप्त होने के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से ये आंकड़ा जारी किया गया। सीईओ शैलेंद्र कुमार ने बताया कि पुनरीक्षण अभियान के तहत सभी जिलों से 1,13,757 दावे व आपत्तियां प्राप्त हुई। इनमें 1 जनवरी 2020 को 18 साल की आयु पूरा करने वाले 70,170 युवाओं ने पंजीकरण कराया। 27,379 नाम हटाए गए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर अलगावादियों की कॉल पर मंगलवार को श्रीनगर में दुकानें बंद रही। इसके अलावा कारोबारी प्रतिष्ठान, पेट्रोल पंप आदि भी बंद रहे। सड़कों पर यातायात भी अन्य दिनों के मुकाबले कम देखने को मिले। घाटी के संवेदनशील इलाकों में किसी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। कश्मीर घाटी में शीतलहर और घने कोहरे का कहर लगातार जारी है। लगातार घने कोहरे के चलते चौथे दिन भी श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सभी उड़ानों को लो विजिबिलिटी के चलते रद्द करना पड़ा। घने कोहरे की स्थिति के लोगों के लिए कई मुश्किलें खड़ी कर दी। विशेष रूप से सुबह और शाम के वक्त गाड़ी चलाने में लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के सभी 3.5 लाख सरकारी कर्मचारियों का 10 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा होगा। दुर्घटना बीमा के लिए सभी कर्मचारियों के वेतन से सालाना 346 रुपए प्रीमियम काटा जाएगा। मंगलवार को वित्त विभाग के वित्तायुक्त अरुण कुमार मेहता ने सभी विभागाध्यक्षों और वेतन जारी करने वाले अधिकारियों को हर कर्मी के वेतन से प्रीमियम काटने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस पार्टी जम्मू ने नागरिकता संशोधन बिल के पारित होने के विरोध में प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने सरकार से आग्रह किया कि ये बिल जो धर्म के आधार पर है इसे तुरंत वापस लिया जाए। देखिए अनेकता में एकता का नारा जो है इस देश में रहा है। ये देश अगर इकट्ठा है तो इसलिए कि हमारे संविधान ने ये इंश्योर किया, गारंटी दी कि सब धर्म, जात, नस्ल, रंग के लोग एक समान उनको अधिकार होगा, एक कानून होगा उनके लिए, अलग अलग कानून नहीं होगा। ये 70 साल में पहला मौका है कि किसी धर्म की बुनियाद पर ऐसा कानून बनाया जा रहा है कि कहीं पे निगाह, कहीं पे निशाना, तो राजनीतिक मकसद से ऐसी बातें की जा रही हैं। और इसलिए जिससे देश की बुनियादी जो बुनियादें हैं उनको खोखला किया जाएगा और जिन्ना की सोच को मजबूती मिलेगी। हमने देश को इकट्ठा रखा, जिन्ना साहब ने कहा था। स्टूडेंट्स एसोसिएशन जम्मू ने प्रोटेस्ट कर सरकार से अपनी मांगे पूरी करने की मांग। सबको 6 शेड्यूल दिया गया, मतलब 75% अगर शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन होगा सामने तो उन सबको मतलब वो ये 6 शेड्यूल दिया जाएगा सर। पर यहाँ पे क्या है कि हमारा लद्दाख में तो 95% है सर। हमारा तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम कोई एक्स्ट्रा चीज मांग नहीं रहे कि हम कोई लॉ की नया बनाए, ऐसे कुछ मांग नहीं रहे। हम अपना सिर्फ हक मांग रहे हैं कि हमें 6 शेड्यूल दिया जाए और हमें मतलब इसमें सर हमारा लैंड प्रोटेक्शन होता है। पार्टी ने आज हवन कर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए और कहा कि जनता को जितनी भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है वो सब उनकी वजह से ही है और इन मुसीबतों से निजात पाने के लिए उनको ये हवन करना पड़ा।
जम्मू वेस्ट मूवमेंट के अध्यक्ष सुनील डिंपल ने एक प्रदर्शन कर इंटरनेट को जल्द बहाल करने और बेरोजगारी को जल्द खत्म करने की मांग। बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, दो मुद्दों को लेकर के आज हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। पीपी न्यूज लाइन के आज के अंक में बस इतना ही, कल होगी फिर से मुलाकात, तब तक देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय जेम ऑप्टिशन एंड कॉन्टेक्ट लेंसेज, नई बस्ती जम्मू, नरेंद्रा सन एंटरप्राइजेज, रेजिडेंसी रोड जम्मू, कृष्णा डायग्नोस्टिक लैब कमिटेड टू प्रूव क्वालिटी पेशेंट केयर एंड डायग्नोसिस अंडर वन रूफ, 51/9 त्रिकुटा नगर नियर पुलिस स्टेशन, पूरी एक्सक्लूसिव वुमेन डिजाइनर सूट साड़ीज लहंगाज एंड ब्राइडल गाउन्स, गणेश दया नर्सिंग होम तलापतिलो रोड बिहाइंड पेट्रोल पंप पक्का गराज जम्मू, फ्रेंड्स टॉयज विजिट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ टॉयज फॉर ऑल एज ग्रुप संजय नगर जम्मू।